कर चुके हैं, तीसरे दिन ये हाल है, अभी तक पानी जैसा का वैसा ही है। तो आप सभी को बता दूँ 16 अप्रैल को दुबई शारजा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज चौथा दिन है जो कि आज तारीख है 19 अप्रैल। अभी तक शारजा में आप देखिए पानी रास्ता अभी तक बंद है। यहाँ पर बेचारे दो डिलीवरी बॉयज जा रहे थे, अभी तक बुरा हाल है, पता नहीं ये पानी कब निकलेगा, वेट कर रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम। क्या कर रहे हो कौशिक साहब? ओ कौशिक साहब, फिर तो वीडियो बोला ना आपसे शुरुआत करनी है। सलाम, कौशिक साहब से मिलते हैं। कैसे हो कौशिक साहब? सही से काम नहीं कर रहा है ये फिल्टर। इनके तो कैप्चर ही नहीं कर रहा है। गाइस बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। आज चौथा दिन है और बारिश आज भी वैसी ही है। इनका कैप्चर ही नहीं हो रहा है भाई, क्यों ऐसे? अभी हम लोग नीचे जाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का आज का नज़ारा कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, जरूर बताएंगे गाइस। चलो चले नीचे, हम बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे, दिखते हैं। ओह कितने अच्छे लग रहे हैं यार हम लोग, वाह। मैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं दिख रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही बना रहा है यार। मैं लेकिन जवान ही दिख रही हूँ, बाल सफेद कर दिए इसने, कैसा गधा सॉफ्टवेयर है ये। गाइज आज मतलब कंटिन्यूसली हम लोग सुपर मार्केट में कॉल कर रहे हैं कुछ सामान डिलीवरी के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे। और ऐसा हो रहा है यहाँ पे थोड़ी ग्रॉसरी और सबकी शॉर्टेज होने लगी है। हम लोग कल भी जाके आए थे लेकिन नहीं था कुछ सामान, वेजीज नहीं थी, ब्रेड्स नहीं थे, डेली सामान नहीं था। तो आज भी हमने सोचा चलो डिलीवरी करवा लेते हैं, लेकिन नहीं, सुपरमार्केट वालों ने हमें एक मतलब इमरजेंसी नंबर दिया था, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, जिसमें हम लोग सामान कुछ मंगवा सकते हैं, बट इट्स ओनली ऑन इमरजेंसी केसेस वो लोग डिलीवरी करेंगे जिसके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी है और उनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, दैट इज़ फॉर देम ओनली। लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना है और लेट्स सी, हम लोग जाके देखते हैं कि क्या है, क्या आज हमें सामान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक टैंकर जा रहा है पानी का, लेकिन वो कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं। आज का फोर्थ डे है, अभी भी देखो क्या हाल हो रहा है, शादी का तक पानी नहीं निकला है। आवाज़ दूँगी पुलिस को, उपरावा। तो गाइस आज 5th day है और आज 20th अप्रैल है, अभी तक यहाँ पे पानी है। वो सिग्नल भी अब सामने वाला चलने लगा है गाइस, पहले वो टोटल बंद था, वो सिग्नल चलने लगा है, खुशी वाली बात है। लेट्स सी आज यहाँ का भी पानी निकल जाए। यहाँ पे ड्राई हो गया अभी, दिस इज ड्राई, स्मेल इज स्टिल देयर। गाइस मैं हूँ मिली और वीडियो कैप्चर कर रहे हैं वो है लुकेश, ग्रॉसरी शॉपिंग से एक्चुअली जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना देखें, आज 5th day है, टुडे इज 20th अप्रैल, और हमने देखा है कि यहाँ का तो थोड़ा पानी सूख गया है, लेकिन उस रास्ते में अगर आप देखेंगे देयर इज स्टिल वाटर, पानी अभी भी है वहाँ पे। पता नहीं ये शारजा सरकार कब ये पानी पंप आउट करेगी। स्मेल आ रही है काफ़ी, बट अभी इतनी स्मेल नहीं है जितनी उस दिन थी। आज अभी जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पे 2 दिन पहले खूब पानी था, ये शायद अभी थोड़ी देर पहले ही ड्रेन आउट हुआ है। वो रस्सा बंद करके रखा है वहाँ पे। हो गया था, बट कंट्रोल नहीं पकड़ता तो गई थी। पानी नहीं है, नहीं तो पानी में डूब जाती मैं।
तो गाइस इस तरफ पानी काफ़ी कम हो गया है। अभी हम देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं ये सारा एरिया पूरा पानी में डूबा हुआ था, अभी सिर्फ इतना इतना एरिया जो है वो पानी में रह गया है। और उसमें मेरा पैर भी चला गया। वैसे तो शारजा गवर्नमेंट ने गाइस आज स्टार्ट कर दिया है ये ऑपरेशन पानी पंप आउट, तो आज तो मेरे ख्याल से निकल ही जाएगा पानी सारा, आज नहीं तो शायद कल तक निकल जाएगा, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी अब क्योंकि मंडे से सब कुछ रेगुलराइज करना है इनको, तो उसके लिए अब इन्होंने फुल एफर्ट शुरू किए हैं। जहाँ पे हम मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस तरफ, मैक्स जूम करके देखता हूँ, वो जो सामने एक पाइप सा लगा हुआ है बैरिकेड भी लगा दिया उन्होंने वहाँ पे गाड़ियों को एंट्री नहीं है, वहाँ से उन्होंने पानी ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया है। अभी इस रोड पर हम गाइस पहली बार 4 दिन में पहली बार टैक्सी देख रहे हैं। ओहो यहाँ से कैसे जाएंगे? मास्क लेके आना चाहिए था सही में। फुटपाथ है ना, इधर साइड साइड से चलते हैं। उफ यहाँ पे भी माओ एक टैंकर लगेगा तब जाके कुछ हालात सुधरेंगे। ये पूरा एरिया पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था जब हम लास्ट टाइम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए थे, तो पूरा पानी था यहाँ तक पानी था, लेकिन अभी जो है पानी सिर्फ पीछे पीछे तक रह गया उस जगह तक। अभी गाइस हम जा रहे हैं एम्बर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, लास्ट टाइम हम 2 दिन पहले एम्बर शो में गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, कुछ एसेंशियल्स जो थे लाइक प्रॉपर वेजेस नहीं थी वहाँ पे, नॉन वेज की कुछ आइटम्स वहाँ पे नहीं थी जो हम खाते हैं एक्चुअली, ब्रेड भी नहीं था, तो ये सब चीज़ें गायब थी। आज चेक करते हैं कि वहाँ आज क्या माहौल है, वहाँ पे सब कुछ स्टॉक इन हुआ है या नहीं हुआ है। बड़े बड़े जो सुपरमार्केट्स है लुलू नेस्टो एम्बर इन सब में सब कुछ स्टॉक आउट हो गया है, तो ग्रॉसरीज की भी काफ़ी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत हो रही है। आज देखते हैं सब स्टॉक हो गया है या नहीं हुआ है, या अभी तक यहाँ पे देखो इतने सारे जो डस्टबिन थे अभी तक ये क्लीनअप नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ अभी तक सब, जस्ट बिकॉज व्हीकल नहीं आ पा रही है यहाँ तक, तो इन कचरे की वजह से भी काफी कुछ स्मेल हो गई है। फिर से निराशा हाथ लगी है, चिकन ब्रेस्ट अभी तक नहीं आया है, चिकन खाने की तमन्ना हम दिल में लेके घूम रहे हैं यहाँ, पूरा खाली पड़ा है, ना डोसा बैटर है ना कुछ है, सब कुछ खाली है। ये ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि दुबई से शारजा जाने वाली गाड़ियों के लिए रोड्स बहुत लिमिटेड हैं, नहीं या तो नहीं है या बहुत लिमिटेड है, और हैं तो उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो उसकी दिक्कत है। ये काउंटर हम पहली बार खाली देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाने का होता ही है, सब यहाँ पे देखो सब खाली। स्कैर्सिटी तो है, स्कैर्सिटी तो मतलब जो वाटर लॉगिंग है उसका इम्पैक्ट तो आया है, मतलब वाटर लॉगिंग मतलब यहाँ पे तो फ्लड ही बोलेंगे उसको, एक तरह से जो इम्पैक्ट है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो रेगुलर मिल जाती हैं, वो चीज़ें गायब हैं, जो है उसी से फिर आप गुजारा करना पड़ेगा। गाइस बहुत प्रॉब्लम है, सब्जियाँ जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। Thank you.